जगह थाना क्षेत्र के अमहिया गांव के पास हत्या कर फेंकी गई महिला की लाश का पुलिस ने शिनाख्त कर लिया है और 24 घंटे के भीतर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि जगह थाना क्षेत्र के अमहिया गांव की निवासी ज्योति उर्फ लवली का चाल चलन अच्छा नहीं था, इसके भाई और पिता भी नहीं थे, जिसकी वजह से उसके चचेरी भाई चंदन सिंह ने उसकी हत्या कर दी, जिसके संबंध में जगह पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तार अभियुक्तों में चंदन सिंह पुत्र चांद हरि सिंह निवासी अमहिया खास थाना जगह व मनोज पुत्र स्वर्गीय मुन्नी लाल निवासी जंगल गौरी नंबर 1 कोठी टोला थाना जगह शामिल है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से पुलिस ने एक आला कत्ल डंडा, एक चादर जिसमें शव को छुपाकर बांधकर रखा गया था, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, पाँच 7/21 को रात 6 बजे थाना झंगहा को ये सूचना मिली कि किसी अज्ञात महिला का शव अमैया गांव के पास में पड़ा हुआ है। इस पर थानाध्यक्ष और उनकी टीम द्वारा रात ही में उस महिला का पता लगाया गया और उसकी जानकारी करके इस घटना की 24 घंटे के अंदर खुलासा इसका कर दिया गया। जब जानकारी की गई तो इसमें पता चला कि उक्त महिला डबली उर्फ ज्योति नाम की थी, जो कि अमैया गांव में ही रहती थी। इसका चाल चलन ठीक नहीं था, इसके घर में कोई और इसके बड़े भाई या पिता नहीं हैं, तो इसके चचेरे भाई ने इस कारण से इसकी हत्या कर दी और हत्यारे को और उसके एक सहयोगी को थानाध्यक्ष द्वारा गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ये संपूर्ण घटना का खुलासा और अभियुक्तों की गिरफ्तारी 24 घंटे के अंदर कर ली गई।